भी सर्दियों में गोभी गाजर का अचार बनाते हैं लेकिन वो थोड़े ही दिनों में खराब हो जाता है, तो आपकी वो समस्या सॉल्व होने वाली है, क्योंकि हम इस तरीके से अचार बनाएंगे, चाहे आप उसको साल तक अचार को रख लीजिए तब भी आपका अचार है वो खराब नहीं होने वाला है। इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं इस गोभी गाजर शलगम और मूली के अचार को कैसे बनाया जाता है ताकि ये साल भर तक टिकाऊ रह सके और पूरा साल है हम इस अचार को इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। एंड वेज विलेज रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं गाजर गोभी मूली और शलगम का अचार, वो भी खट्टा मीठा अचार बनाएंगे बिल्कुल अलग अंदाज में, जो कि सालों तक आपका अचार है वो खराब नहीं होगा। इस तरह से हमने इसको ट्रिक के साथ पकाना है कि ये कभी खराब नहीं हो, पूरा साल आप इस अचार को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो मसालों में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है 2 चम्मच हमने अजवाइन लेनी है फ्रेंड्स, और 2 ही बड़े चम्मच हमने साबुत मेथी ली है। बड़ी मेथी भी ले सकते हो, छोटी मेथी भी ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। 2 चम्मच हमने जीरा ले लिया है, और 1 बड़ा प्याज, 1 टुकड़ा अदरक का, और 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन की कलियां, इनको मिला के मैंने ये पेस्ट है तैयार कर लिया है। इसके बिना अचार हमारा स्वादिष्ट नहीं बनेगा। इस अचार को हम खट्टा मीठा बनाने वाले हैं, तो मिठास के लिए हम यूज करेंगे गुड़ का। तो खटास के लिए हम यूज करेंगे ये व्हाइट सिरका जो आता है, इसको हम यूज करेंगे। इसके साथ है वो खटास आएगी, और खटास के साथ साथ मिठास भी आएगी, तो बहुत ही चटपटा अचार है वो बनने वाला है। बच्चे आपके टिफिन में भी यही लेके जाया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने मसालों को रोस्ट करना है इस तरह से, हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। इससे अचार में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और अचार हमारा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, क्योंकि मसालों का कच्चापन बिल्कुल वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेना है। इसको निकाल लेंगे। अब हम अजवाइन भून लेंगे, क्योंकि अलग अलग ही इनको भूनना है हमने। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन अचार है बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो हमें अजवाइन को भी भून लेना है। अब जीरे को भून लेंगे। तो जीरा भी भून चुका है, अब इसको भी निकालेंगे। जब तक हम सूखे मसालों को ग्राइंड करेंगे तब तक हमने इसी कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देना है 1 कटोरी के करीब। छोटी 1 कटोरी है वो हम लेंगे, ताकि क्योंकि तेल के साथ ही अचार है वो हमारा बचा रहता है, तो इसको गर्म होने देते हैं। तो अब जो पेस्ट हमने बना के रखा था उसको हम डाल देंगे कढ़ाई में। इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। तो मसाले ने हमारे में तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, अब इसमें हमने ड्राई मसाले डाल देने हैं साथ के साथ। 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, 3 बड़े चम्मच नमक, जो मसाले हमने पीसे हैं वो डाल देने हैं,
वो डाल देना है। गुड़ को भी इसी तरह से मेल्ट कर लेना है। यहां पे हम डालेंगे एक छोटी कटोरी सिरका। अब ये ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब इसी ग्रेवी में फ्रेंड्स हमने अपने अचार है वो डाल देना है। गाजर, गोभी, मूली, शलगम, जो भी आपको अच्छा लगता है उसी का हम अचार बना सकते हैं। इस तरह से इसी मसाले में हमने ये सब सब्जियों को पकाना है। और इसको मिक्स करें। इसी मसाले में हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। कर लेते हैं अचार को। बिल्कुल अच्छी तरह से अचार है हमारा कुक हो चुका है। तो बिल्कुल रसीला अचार है हमारा बनके रेडी हो चुका है। बड़े क्या बच्चे क्या मांग मांग के इस अचार को खाने वाले हैं। बहुत ही इस तरह से ये सिरका अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो इस तरह से ये अचार है हमारा कभी भी खराब नहीं होगा। आप इसको कांच के बर्तन में स्पेशली भर के रखेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक में थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर है, बहुत जल्दी इस पर असर कर जाता है। लेकिन अगर हम इसको कांच के बर्तन में या जार में भर के रखेंगे तो ये कभी भी अचार हमारा खराब नहीं होने वाला है। तो इस तरह से गोभी है जो हमारी अच्छी तरह से, गाजर गोभी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेशली इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस अचार को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी साल भर के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल वेट विलेज रेसिपी।